देखिए इस वीडियो में मैं दिन भर क्या कुछ खा रही होती हूँ, which makes me look younger. Keep watching. Believe in yourself. Assalamualaikum, मैं हूँ गज़ल एंड यू आर वॉचिंग माई YouTube चैनल. आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे. आज की जो वीडियो है वो अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में आप अक्सर मुझे कहते हैं कि गज़ल आप ऐसी कोई वीडियो बनाएं जिसमें आप अपने दिन भर का डाइट जो है ना वो आप हमारे साथ शेयर करें कि सुबह से लेकर रात तक आप क्या कुछ खा रही होती हैं, विच मेक्स यू लुक यंगर. तो मैंने सोचा कि आज मैं एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाती हूँ जिसमें आपके साथ शेयर करती हूँ कि सुबह जैसे मैं उठती हूँ उसके बाद रात को सोते वक्त पूरा दिन मैं क्या खाती हूँ. तो एक पूरे दिन का आज आपके साथ मैं अपना पूरी डाइट शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में. क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि यू आर व्हाट यू ईट. ये बिल्कुल सही है कि हम जो खाते हैं हम वो हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं हमारे ऊपर, हमारी स्किन पर, हमारे बालों पर, हमारी ओवरऑल इनफैक्ट हमारे मूड्स पर. ये सारी जो हम खा रहे होते हैं वो सब रिफ्लेक्ट करती हैं हमारी. तो लेकिन 100% सिर्फ खाना नहीं होता है आपका जो आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है. कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो आपको यंग दिखने में बहुत हेल्प करते हैं, और स्किन, बाल, सब कुछ, आपकी अपीयरेंस बहुत अच्छी हो जाती है. तो वो फैक्टर्स जो हैं वो बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, तो वो ऐसा ऐसा आपके साथ सारी मैं शेयर करूँगी. कौन कौन सी एक्सरसाइजेज़ हैं, कौन कौन सी योगा की एक्सरसाइजेज़ हैं, एंटी एजिंग एक्सरसाइजेज़ हैं, सारी. तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल के आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो फ्यूचर की मिस ना करें. तो अब जल्दी से देखिए कि मैं क्या कुछ दिन भर खाती हूँ. अच्छा, सुबह सवेरे मेरा फजर पर मैं उठती हूँ, उसके बाद फिर दोबारा सो जाती हूँ, और फिर जब मैं उठती हूँ तो एक्चुअली मेरा दिन फिर प्रैक्टिकल दिन तब से शुरू होता है मेरा. और जब उठती हूँ तो फौरन से मैं एक नीम गर्म पानी के ग्लास में लीमू निचोड़ के ज़रूर पीती हूँ. इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं. मेरी स्किन विटामिन सी की वजह से बहुत अच्छी रहती है, और डिटॉक्सिफाई होती है बॉडी, पूरा सिस्टम हमारा. इसके अलावा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, मतलब कि बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके. तो ये करने के बाद ये सुबह, उसके बाद फिर मैं एक डेढ़ घंटे तक कुछ खाती नहीं हूँ, और फिर मैं लिक्विड्स ही लेती हूँ ताकि डिटॉक्सिफाइंग का जो प्रोसेस है वो चलता रहे. और उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन के साथ हर रोज़ चेंज करके, जो भी मौसमी फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं इजीली, तो उनकी मैं या तो जूस एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ, जूस पी लेती हूँ, या तो फिर उन सब सब्जियों को और फ्रूट्स को मिला के मैं स्मूदी बना के पीती हूँ. उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है ग्लोइंग स्किन के लिए, जो स्मूदी मैंने शेयर की थी, ये वही स्मूदी है. इसके क्या क्या फ़ायदे हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं डिटेल में. जैसे जैसे चीज़ें मैं शेयर करती जा रही हूँ उन सब पर मैं वीडियोज़ बनाती जा रही हूँ, तो मैं आपको रेफरेंसेस भी बताती जा रही हूँ कि अगर वो वीडियोज़ आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं. तो वो स्मूदी पी लेती हूँ, और उसके बाद नॉर्मली मेरा एक्सरसाइज का टाइम सुबह का होता है, क्योंकि आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. मैं सुबह सवेरे जब उठती हूँ तो मेरे अंदर बहुत एनर्जी होती है दिन भर, और जैसे ही शाम होने लगती है, रात होने लगती है, तो 9 बजे बड़ी नींद आने लगती है, बैटरी डाउन होने लगती है मेरी. तो इस तरह का मेरा जो होता है सिस्टम. बहरहाल तो वो सुबह नॉर्मली कोशिश करती हूँ कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ. हफ्ते में एक दिन थोड़ी सी इंटेंस एक्सरसाइज होती है, जिम में जाती हूँ, तो उस दिन मेरा नाश्ता जो है वो पावर पैक्ड प्रोटीन पैक्ड नाश्ता होता है मेरा. उस पर भी मैंने वीडियो बनाई, वो भी आप देख सकते हैं. तो वो नाश्ता होता है, नॉर्मली वॉक करती हूँ, घर में एक्सरसाइज करती हूँ, योगा कर रही होती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी. लेकिन आज फोकस करते हैं कि सुबह से रात तक मैं खाती क्या हूँ. तो उसके बाद वर्कआउट के बाद मेरे नाश्ते का टाइम होता है. नाश्ता जो मैं मुझे अच्छा लगता है खाना, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या खाती हूँ. कि मैं थोड़ा सा जो है वो ब्रांड सीरियल का आधी प्याली ले लेती हूँ, उसमें एक प्याली फ्रूट्स कटे हुए डाल देती हूँ, उसमें थोड़ा सा बादाम को कूट के क्रश करके वो डाल देती हूँ, साथ में पम्पकिन सीड्स डाल देती हूँ एक चम्मच, छोटा चम्मच जो है वो सनफ्लावर सीड्स डाल देती हूँ, आधी चम्मच चिया सीड पाउडर डाल देती हूँ, आधी चम्मच मैं इसमें फ्लैक्स सीड्स पाउडर डाल देती हूँ, और साथ में जो है वो चीनी वीनी मैं नहीं डालती हूँ उसमें, और फ्रूट से जो नेचुरल शुगर होती है ना वो लेने की कोशिश करती हूँ. तो उस वजह से थोड़ा सा मीठा टेस्ट देने के लिए मैं 2 खजूर इसमें टुकड़े करके मैं डाल देती हूँ, उसमें दूध डाल के मैं खाती हूँ. तो बड़ा मज़े का एक मेरा बन जाता है नाश्ता, ब्रेकफास्ट, जिसको मैं बहुत इंजॉय करती हूँ. या कभी अंडे बना के खा लेती हूँ, और उसके साथ एक होल व्हीट
जो होल ग्रेन की जो रोटी है स्लाइस वो ले लेती हूँ, उसको टोस्ट करके वो खा लेती हूँ। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि किस तरह की एक्सरसाइज है, तो उस तरह का उतना नाश्ता मैं लेती हूँ उसको, क्योंकि बहुत सारी कैलोरीज आपकी बर्न होती हैं, एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। पानी जो है वो कोशिश करती हूँ मैं 8 से 10 ग्लासेस पानी में ज़रूर पीऊँ दिन में। तो चलते फिरते पानी पीना जो है वो समटाइम्स याद नहीं रहता है, तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह ही एक बड़ा सा जग बनाकर पानी का, उसके अंदर अदरक के पीसेस काट लेती हूँ मैं और लीमू के स्लाइसेस काट के वो डाल देती हूँ पानी के, वो दिन भर में पानी पी रही होती हूँ। तो एक एक टेस्ट वाला जो है ना, एक फ्लेवर वाला पानी, वो बड़ा मज़ा देता है मुझे। तो इस तरह से पानी का भी इनटेक पूरा होता रहता है, और वो जब ख़त्म हो जाता है पानी फिर उसमें डाल देती हूँ दोबारा, रात तक वो जग मेरा चलता रहता है पानी का। और मैं उन लोगों में से हूँ जिनको 3 प्रॉपर खाने चाहिए होते हैं और 2 छोटे छोटे स्नैक्स चाहिए होते हैं। इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दे प्रेफर 5 स्मॉल मील्स, और वो इक्वली डिवाइड कर लेते हैं उन 5 छोटे छोटे हिस्सों में खाने को पूरे दिन के। लेकिन मुझे वो सूट नहीं करता, मुझे 3 प्रॉपर खाने चाहिए होते। तो मेरा नाश्ते के बाद फिर 1-2 घंटे बाद मेरे स्नैक का टाइम आता है, तो उस वक्त मैं कोई ना कोई फ्रूट खा लेती हूँ जो अवेलेबल होता है, मौसमी फ्रूट होता है, कभी ऑरेंज खा लिया, कभी वाटरमेलन खा लिया, कभी और कुछ नहीं तो खीरा काट के उसमें नमक और लाल मिर्च और लींबू निचोड़ के वो मैं बहुत शौक से खाती हूँ, और कभी कुछ नहीं होता तो नट्स खा लेती हूँ थोड़े से। तो ये एक स्नैक मुझे चाहिए होता है बीच में। अच्छा, उसके बाद फिर लंच का टाइम होता है। लंच भी मेरा बहुत सिंपल सा सादा सा लंच होता है, एक सादी सी रोटी होती है दुबली पतली सी, कि अगर रोटी नहीं होती है तो मैं 2 होल व्हीट के स्लाइसेस ले लेती हूँ ब्रेड के, वो खा लेती हूँ। उसके साथ दाल होती है, कभी पालक होती है, कभी करेले की सब्ज़ी, कभी कीमे का सालन, कभी फिश होती है, कभी चिकन होता है, जो भी उसमें मैं खाती हूँ। लेकिन आई मेक श्योर कि उसके साथ मेरा सैलेड, एक पूरी बड़ी सी प्लेट भर के मैं सैलेड की ज़रूर खाऊं। समटाइम्स उस सैलेड में मैं ड्रेसिंग डाल के हल्की फुल्की खाती हूँ, ऑलिव ऑयल या लीमू या थोड़ी सीजनिंग करके वो खा लेती हूँ। कभी फेटा चीज़ वाला सैलेड जो है, ग्रीक सैलेड बहुत पसंद है मुझे, तो वो मैं खाती हूँ। तो इस तरह से सैलेड मेरा ज़रूर होता है लंच में, क्योंकि ये मिनरल्स और विटामिंस जो हैं वो हमारी स्किन, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और हमारी जो एजिंग प्रोसेस है इस सब बैलेंस फूड के खाने से वो बहुत स्लो डाउन होता है। लंच के फौरन बाद मैं हर्बल टी ज़रूर पीती हूँ, और हर्बल टी जो है वो, उस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है, अगर डिटेल में देखना चाहें उसके फ़ायदे क्या हैं तो आप देख सकते हैं वीडियो। तो हर्बल टी मैं ज़रूर लेती हूँ अपने लंच के फौरन बाद। उसके बाद फिर अगेन जब शाम होती है तो एक छोटे स्नैक का टाइम आता है, जो लंच और डिनर के बीच का टाइम होता है, यानी दोपहर और रात के खाने के बीच के टाइम में एक छोटा सा स्नैक चाहिए होता है मुझे। तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने हस्बैंड के साथ चाय का कप एक एंजॉय करूँ, थोड़े से उसके साथ चना चाट बना लेती हूँ, समटाइम्स समोसे, सब कुछ खा रही होती हूँ मैं, लेकिन समोसे बजाय फ्राइड खाने के मैं ओवन में बेक करके खाती हूँ। तो इस तरह से सब चीज़ें इंजॉय करती हूँ। चीनी नहीं डालती हूँ मैं चाय के अंदर, क्योंकि चीनी जो है, यकीन करें, वो जो रिफाइंड जो शुगर होती है ना वो, और जो रिफाइंड और प्रोसेस जो खाने हैं वो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी, उस हमारी एजिंग प्रोसेस को वो इतना फास्ट कर देते हैं कि बनाऊंगी किसी दिन इन फ्राइड चीज़ों पर आपको बताऊंगी, वीडियो बनाऊंगी। तो बहरहाल बेक्ड होते हैं, समोसे होते हैं, थोड़ी सी चना चाट होती है, कुछ हल्का फुल्का सा कोई स्नैक होता है तो वो मैं खा लेती हूँ, और चाय को इन्जॉय कर होते हैं घर में। तो बस ये छोटा सा स्नैक होता है। उसके बाद फिर जब रात के खाने का टाइम आता है तो डिपेंड करता है कि दिन में मैंने कितना प्रोटीन लिया है, तो उसको बैलेंस करती हूँ रात में। अगर दोपहर में मैंने कोई ऐसी चीज़ ले ली है जो जैसे ज़्यादा उसमें प्रोटीन है, फिश है या चिकन का पीस होता है या चावलों के साथ कुछ, तो फिर रात के टाइम पे मैं सूप नॉर्मली पीती हूँ। और सूप जो है वो, उसमें चिकन भी होता है, होल ग्रेन्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होती हैं, बीन्स, सब चीज़ें होती हैं, सीजनिंग होती है, बड़ा मज़े का सूप होता है मेरा। तो वो सूप ले लेती हूँ मैं। अगर कभी सूप नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा एक छोटी सी आधी सी प्याली ब्राउन राइस की होती है, उसके साथ ग्रिल वेजिटेबल्स होती हैं, फिश का टुकड़ा हो गया या चिकन हो गया या कुछ, या जो स्पाइसी सॉस होती है चिकन के साथ वो मिक्स करके सारे वो बना लेती हूँ। डिनर के बाद थोड़ा सा स्वीट टूथ होता है ना, थोड़ा सा खाने मीठा खाने को दिल करता है, तो उसमें मैं अक्सर दही जो होती है उसमें कोई ना कोई फ्रूट डाल के उसकी स्मूदी बना के उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, फ्रोज़न योगर्ट जो होता है, तो वो बहुत मज़े का होता है, वो थोड़ा सा निकाल के खा लेती हूँ, आइसक्रीम जैसा ही टेस्ट देता है। सोने से पहले
रात को एक कप या एक छोटा सा गिलास गर्म दूध का, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर मैं ज़रूर पीती हूँ। तो इस तरह का खाना होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा फैट नहीं होता है, बहुत फ्राइड चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत स्वीट चीज़ें नहीं होती हैं, जो एक्चुअली हमें बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। और अगर इन चीज़ों का हम ख्याल रखें तो आप यकीन करेंगे आप खुद फील करने लगेंगे, थोड़े टाइम में आपके बाल बेहतर क्वालिटी के होने लगेंगे, आपकी स्किन अच्छी होने लगेगी, फाइन लाइंस आपकी कम हो जाएंगी। क्योंकि मैं यकीन रखती हूँ कि अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमतें जो है ना, खाने की चीज़ें, नेचुरल चीज़ें, उनका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ये जो आर्टिफिशियल जो तरीके होते हैं ना यंग दिखने के लिए, वो लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली आर्टिफिशियल होते हैं, वो नेचुरल चीज़ें नहीं होती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए अपने खाने में बैलेंस खाना खाएं। खाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी ओवरऑल अपीयरेंस के लिए भी, हमारी एनर्जी लेवल के लिए भी, हमारी हर चीज़ के लिए। और लेकिन सिर्फ खाना नहीं होता, अगेन जो मैंने कहा कि साथ में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें यंग रखने में, हमें एनर्जेटिक रखने में बहुत हेल्प करते हैं, जिसमें नींद है, जो जो एक्सरसाइजेस हैं, या हमारा एटीट्यूड है, या हमारी पॉजिटिविटी है, ये हमें कितना यंग रखने में कितनी हेल्प करती हैं ये आप सोच नहीं सकते। मैं ज़रूर इस पर भी वीडियो बनाऊँगी। दिल करता है साथ सब चीज़ों को बहुत सारी एक ही वीडियो में बताया जाए, लेकिन बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, तो ज़रूर मैं फ्यूचर में आप देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस। अच्छा, ये बाय द वे ये मंडे टू फ्राइडे का स्केड्यूल है, क्योंकि जो वीकेंड्स होते हैं वो फिर मैं फैमिली के हवाले होती हूँ, या फ्रेंड्स के साथ सोशलाइजिंग होती है, मिलना जुलना होता है, तो उस वक्त आप कंट्रोल नहीं कर सकते इतना ज़्यादा खाने पर। तो वो भी मैं सब चीज़ें इंजॉय कर रही होती हूँ मॉडरेशन के साथ, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें खाती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करती हूँ। तो अब जल्दी जल्दी कमेंट्स के जरिए मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके कमेंट्स का। साथ ही मुझे गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखिएगा, और जल्द मिलूंगी मैं आपसे बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है, इसे भी क्लिक कर सकते हैं, और बॉक्स में जो वीडियो नज़र आ रही है इसे ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी।